नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादों को जमीन पर उतारने के लिए अनोखा प्रयोग शुरू किया है। यूपी को विभागीय आधार पर 10 सेक्टरों में बांटकर सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्रियों और अफसरों को जुटा दिया है। अब सीएम योगी के सामने 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक सभी विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं कृषि सेक्टर और औद्योगिक एवं अवस्थापन सेक्टर के प्रेजेंटेशन पूरे हो गए हैं और आज सीएम सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के अंतर्गत विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। इसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है। तो जिस तरह सभी तक दफ्तरों में काम होता आता था कि काम करने के बाद सभी अपने काम की पूरी जानकारी देते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, तो अब सरकार भी कुछ इसी रूपरेखा में चलती हुई नजर आ रही है। अब हर एक विभाग को अपनी प्रेजेंटेशन सीएम योगी को सौंपनी होगी, सीएम योगी को दिखाना होगा अपने काम का ब्यौरा। आज से 22 अप्रैल तक कई विभाग अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। आपको बता दें कि कुछ विभाग अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। 18 से लेकर 22 अप्रैल तक सभी विभाग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। कृषि सेक्टर और औद्योगिक एवं अवस्थापना सेक्टर के प्रेजेंटेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं और आज सीएम योगी सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के अंतर्गत विभागों का प्रेजेंटेशन लेंगे। इसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है। बाकी के जो विभाग है वो 22 अप्रैल तक एक एक करके अपने प्रेजेंटेशन देंगे। और इस खबर पे हमारे साथ तो कई विभागों के प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिल्कुल सख्ती के साथ काम किया जा रहा है, हर एक विभाग पर अपनी नजर रखी जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक विभाग पर नजर रखेंगे और पूरे काम का ब्यौरा लेंगे। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, दफ्तरों की तर्ज पर अब सरकार में भी काम हो रहा है, एक एक चीज पे नजर रखी जाएगी, पूरा ब्यौरा और प्रेजेंटेशन खुद सीएम योगी चेक करेंगे, किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर, हर एक विभाग की तस्वीर किस तरह से बदलने वाली है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उस पर आसीन होने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तेज तर्रार तरीके से सरकार चलाया जा रहा है, उसी क्रम में मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 100 दिन के अंदर सभी विभाग को अपने विकास का खाका तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करना था। उसी क्रम में आपको बता दें कि सभी विभागों की तरफ से एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष रखना था। वहीं आपको बता दें कि कृषि विभाग और औद्योगिक विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन पूरे हो चुके हैं। वहीं 18 से और 22 तारीख तक सभी विभागों को प्रेजेंटेशन देना होगा। आपको बता दें कि सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटा गया है और 10 सेक्टर में बांटकर अब सभी विभाग अब मुख्यमंत्री के समक्ष अपने जो 100 दिन के खाके हैं क्या काम करेंगे, उसको लेकर उनके समक्ष प्रेजेंटेशन के के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगे और आने वाले 100 दिनों में उस पर काम दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास कल्याण एवं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, इन सभी मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री के समक्ष होगा। प्रेजेंटेशन में आधे घंटे के समय में जो विभाग के द्वारा जो खाका तैयार किया गया है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को पूरा जो कार्यक्रम है उनके 100 दिन का उसको उनका उनके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आधे घंटे के प्रेजेंटेशन के दौरान ये प्रेजेंटेशन जो विभाग के प्रमुख सचिव है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है एवं विभाग से संबंधित सभी आला अधिकारी और विभाग के मंत्री इस प्रेजेंटेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बस यही एक योगी सरकार दिखाना चाहती है कि आने वाले दिनों में जो 100 दिन का लक्ष्य लेकर योगी सरकार काम कर रही है उसमें किस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे और उसके सृजन को लेकर किस तरह से उसको जमीन पे उतार कर और जनता को लाभ दिया जा सके। जैसे कहा जी विभांशु, ये प्रेजेंटेशन कितने बजे पेश करी जाएगी और आज इस तरह से समाज कल्याण, महिला कल्याण और श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण का प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा तो कौन कौन से मुख्य चेहरे शामिल रह सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान? रखा
रखा गया है, माफ करिएगा, लोक निर्माण भवन में रखा गया है। वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष जो विभाग के आला अधिकारी होंगे, चाहे बात की जाए प्रमुख सचिव की, चाहे बात की जाए सचिव की, चाहे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा, उनके जो उच्च अधिकारी होंगे उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और इस दौरान जो विभाग के संबंधित मंत्री होंगे वो मौजूद होंगे, साथ ही साथ आपके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी आने पिछले दो मीटिंगों में दिख चुके हैं। तो माना ये जा रहा है कि जो आगे मीटिंग होने वाली है, जो आज से लेकर और 22 तारीख तक मीटिंग होगी, उसमें सभी जिम्मेदारान अफसर और सभी जिम्मेदारान जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जिम्मा दिया गया है विकास कार्यों को लेकर, वो मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ विकास कार्य किसके साथ साथ और जो भी ऐसे अधूरे काम है जो पिछली सरकार में नहीं हो पाए हैं उस पर भी चर्चाएं की जाएंगी, और उसको जमीन पर उतारने को लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से पिछली बार आपने देखा कि तमाम काम हुए, उसी क्रम में जो मिड डे मील एवं स्कूलों में जो बच्चों को लिए बेनिफिट की योजनाएं चलाई जा रही थी उसको फिर से एक बार सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री दानिश आजाद सिद्दीकी का प्रेजेंटेशन, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हज एवं मदरसों पे जो सब्सिडी एवं तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मोहसिन रजा अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ जो 7,442 मदरसों को जांच के आदेश के बाद उन्हें सरकारी लाभ देने की बात कहे गए थे, तो उसपे भी कहा जा सकता है कि मदरसों में भी अब कुछ तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उन्हें डिजिटल बनाने का काम किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो पिछली सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से श्रम कार्ड बनाए जा रहे थे, तो हो सकता है कि अब श्रम कार्ड जिनके भी बनाए गए हों उनके लिए कुछ योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उन्हें काम के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जाए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपके मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की काम की गारंटी होती है, वैसे शहरों में भी अब श्रम कार्ड से इन मजदूरों को काम पे लिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे तमाम विभाग हैं जिनके काम पिछली सरकार में अधूरे हैं, उसको पूरा करने के लिए 100 दिन का खाका पेश करेंगे और मुख्यमंत्री उस पर मुहर लगाएंगे, और विभाग के मंत्री एवं जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से उस पर काम किया जाएगा। विभांशु, पहले कार्यकाल में तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जो कि अभी भी चल रही हैं, और अगर बात करें दूसरे कार्यकाल में तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको चलाने पर विचार किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि महिलाओं के अगर देखें तो महिलाओं के लिए काफ़ी ऐसे योजनाएं चलाई गई, चाहे बात की जाए तो उनको पुलिस प्रशासन से जो महिला डेस्क थानों के अंदर में पुलिस प्रशासन को महिलाओं से जोड़ने के लिए महिला डेस्क बनाया गया कि अपनी समस्याओं को लेकर वो अगर थाने में जाती हैं तो वो बेझिझक महिला पुलिसकर्मियों से अपनी समस्याओं का निदान ले सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एंटी वोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, उस स्क्वाड के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको छात्राएं और खासकर बाजारों में महिलाएं को की सुरक्षा को लेकर जो पुलिस है उसको 1 घंटे पैदल पेट्रोलिंग की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं इसको भी बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले समय में जो ऐसे कई सारे काम थे जो 18 से 22 के बीच 10 सेक्टरों के बीच में जो तमाम विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन होगा उसमें अधूरे काम से लेकर और 100 दिन के अंदर जो काम किए जाएंगे उसका ब्यौरा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे स्कूलों को देखा, माना यह जा रहा है कि स्कूलों की जो सुविधाएं मिलती है छात्रों को वहां पढ़ने वाले बच्चों को उसमें कुछ गुणवत्ता के साथ साथ कुछ ऐसे नए प्रयोग किए जा सकते हैं जिनसे उनके भविष्य में लाभ मिल सके, उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित भी है और उस पर काम भी कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो रोजगार के सेक्टर में तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 100 दिन के अंदर 10,000 रोजगार सृजन करने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्रदेश भर के छात्र हैं उनकी आशा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जो 10,000 नौकरियों की बात कही जा रही है, तो इन सब विषयों पे चर्चा करके अब आने वाले 100 दिनों में
जनता भी इंतजार कर रही है कि 100 दिनों में किस तरह का विकास कार्य किया जाएगा और आने वाले 100 दिन में क्या बदलाव आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पर सीएम योगी हर एक विभाग पे नजर रख रहे हैं और अगर बात करी जाए विभागों के द्वारा प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन में हर एक चीज का ब्यौरा होगा कि 100 दिन में कौन कौन से काम किए जाएंगे, अभी तक कौन से काम अधूरे थे जिनको पूरा किया जा रहा है और नए कौन से काम होंगे जिन्हें किया जाएगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट, आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए आदेश। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, जो है लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका रद्द। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए हैं निर्देश। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए निर्देश। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका लगा है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर के हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए निर्देश। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए निर्देश। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए निर्देश। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द। बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के दिए निर्देश। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशीष मिश्रा को झटका लगा है, जमानत याचिका रद्द कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जमानत हुई थी और जमानत के खिलाफ एक याचिका डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है, और उसके बाद अब जो आरोपी है आशीष मिश्रा, इनकी जो जमानत याचिका है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में, माफ कीजिएगा, जो संबंधित जो थाना होगा वहां पर सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट के जरिए उन्हें जो आगे की जो कार्रवाई होगी जहां भेजा जाएगा वहां भेजा जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा मामला है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की अगर बताई जाए शिखा, तो अभी 2 से 3 दिन पहले आशीष मिश्रा अपने घर पे जो जनता दरबार था वो लगाए हुए था और जनता की समस्या सुन रहा था जी। और उसके बाद कोर्ट का ये फैसला आता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा खुद को राजनीति में सक्रिय करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोर्ट का अब ये जो आदेश आया है जिससे उसकी जमानत याचिका खारिज हुई है, ये एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। और अब देखना ये होगा कि अजय मिश्रा केनी आगे क्या झटका लगा है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज मंदिर के निर्माण की प्रगति और निर्माण की चुनौतियों को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और लॉर्डसन ट्रूबो कंपनी के इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद 19 अप्रैल को नृपेंद्र मिश्र सर्किट हाउस में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो राम मंदिर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही काम का जायजा लेने के लिए समिति के, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज मंदिर के निर्माण की प्रगति और निर्माण की चुनौतियों को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और
लॉर्सन ट्रूबो कंपनी के इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण होना है, जिसकी वजह से हर एक चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है, हर एक मानक पे नजर रखी जा रही है और अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स के साथ मिलकर भविष्य के बारे में सोचकर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सालों साल ये चलता मंदिर वैसे का वैसे ही खड़ा रहे जैसे कि इसे बनाया जा रहा है। ऐसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज जो बैठक होनी है इसमें मुख्य रूप से कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और लॉर्सन ट्रूबो कंपनी के इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे नृपेंद्र मिश्र, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अगर बता दें आपको तो सबसे पहले जो है नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जो है वो आज सुबह जो है वो राम मंदिर निर्माण पहुंचे हैं, जहां पे राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर वो राम मंदिर निर्माण का जायजा ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद वो वहाँ टाटा कंसल्टेंसी और लॉर्सन ट्रूबो के इंजीनियरों के साथ में वो बैठक भी करेंगे, और बैठक के बाद जो है वो राम मंदिर निर्माण का एक खाका तैयार किया जा रहा है, जो कि ट्रस्ट के पदाधिकारी रहेंगे और कंसल्टेंसी के पदाधिकारी रहेंगे, किस तरीके का जो पहला चरण का काम पूरा हो चुका है तो अब दूसरे चरण पर किस किस तरीके से काम किया जाएगा। जी जी, अगर बात करें निर्माण कार्य की तो अभी तक ये काम कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, निर्माण कार्य की अगर बात की जाएगी तो राम चबूतरा जो कहा जाता है, पहला प्लिंथ जो लेयर इनकी होती है वो तैयार किया गया है। तैयार करने के बाद अब जो है दूसरे चरण का काम शुरू किया गया है, जो कि नृपेंद्र मिश्र जो निर्माण समिति के चेयरमैन है वो अयोध्या पहुंचते हैं। हर महीने इनकी दो बैठकें होती हैं, जो कि महीने की पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में ये इनकी मीटिंग होती है। जी जी, अगर बात करी जाए तो चरणबद्ध तरीके से हर एक चीज पे ध्यान रखा जा रहा है, लाखों साल तक मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रहे, इसमें कोई दिक्कत ना आए और लाखों सालों तक जो राम मंदिर है उसके निशान ना मिट पाए, इस बातों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। तो इसमें किन किन मानकों का ध्यान रखा जा रहा है इसकी बनावट में? देखिए, सबसे पहले अगर बताएंगे तो पहले जो पत्थरों को तराशने का जो काम किया गया था, पत्थर कैसे है, किस तरीके के संगमरमर के आ रहे हैं पत्थर, कैसे पत्थर आ रहे हैं, सबसे पहला जो है बात पत्थरों को लेकर के रहेगा, और उसके बाद उनके नींव की बात रहेगी कि कितनी अच्छी नींव उनकी ढाली जाए, कितना मजबूत उनको ढांचा तैयार किया जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से एक बार फिर बैठक होने वाली है, लगातार राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है, जल्द से जल्द इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करने की जो कोशिश है उसमें सभी लगे हुए हैं, ताकि क्योंकि इससे कई लोगों की आस्था, सभी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और सभी भव्य राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। जिस तरह से जो बनाया गया है फॉर्मेट उसमें बना भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, और इसके लिए हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा तो किया जाए, साथ ही साथ इसमें किसी तरह की कमी ना आए, मजबूती भी अच्छी हो और सालों साल ये खड़ा रहे, इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए आज बैठक करी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।